नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक किया पूर्ण राज्य का मसौदा, 30 जून तक जनता से मांगी मसौदे पर राय। केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस को याद दिलाए वादे। 14 साल बाद पकड़ा गया गोधरा कांड का मुख्य आरोपी फारूक भाड़ा, मुंबई में पहचान बदल कर रह रहा था फारूक भाड़ा। पर है गोधरा कांड की साजिश रचने का आरोप। बिहार के पीएमसीएच अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल ने ली 5 बच्चों समेत 8 लोगों की जान। रविवार से हड़ताल पर बैठे हैं जूनियर डॉक्टर्स, प्रिंसिपल को हटाने की है मांग। अमर सिंह को एसपी का टिकट मिलने पर झलका आजम का दर्द, कहा मुलायम पार्टी के मालिक हैं, कोई भी फैसला कर सकते हैं। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने ली चुटकी, कहा सारे डूबने वाले एक साथ। भारत ने किया पृथ्वी 2 मिसाइल का एक और कामयाब टेस्ट, चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज से दागी मिसाइल, आधुनिक तकनीक से लैस है मिसाइल। नम आंखों से दी गई गुरु हरदेव सिंह को अंतिम विदाई, दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी लाखों की भीड़, पत्नी सविंदर होंगी निरंकारी मिशन की अगली प्रमुख। आइए अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आज जनता के सामने मसौदा पेश कर दिया है। वेबसाइट पर मसौदा सार्वजनिक करके मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता से राय मांगी है। जनता की राय के बाद ही केजरीवाल प्रस्ताव को विधानसभा ले जाएंगे और इसके बाद ये बिल केंद्र के पास बढ़ाया जाएगा। बिल पेश करते हुए केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस को भी उनके वादे याद दिलाए। केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा भूल गई है। उन्होंने 1993 और 2003 के घोषणा पत्र में पूर्ण राज्य की मांग की थी। और अब बात करते हैं गोधरा कांड की। गुजरात पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2002 में हुए गोधरा कांड का कथित मास्टरमाइंड फारूक भाड़ा को गुजरात एटीएस ने 14 साल बाद मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। फारूक पर गोधरा कांड की साजिश रचने और ट्रेन जलाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि मुंबई में वो नाम और हुलिया बदल कर रह रहा था। भाड़ा 2002 से ही गुजरात पुलिस के निशाने पर था। आपको बता दें कि गोधरा कांड 27 फरवरी 2002 को हुआ था और इस कांड के बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे। साबरमती एक्सप्रेस की बोगी नंबर S6 में आग लगने से 58 लोगों की मौत हो गई थी। मारे गए लोगों में 23 पुरुष, 15 महिलाएं और 20 बच्चे थे। हादसे की चपेट में S6 कोच आया था, जिसमें ज्यादातर कार सेवक थे जो अयोध्या से लौट रहे थे। और अब खबर बिहार से। पटना में 3 दिनों से जारी पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से 5 बच्चों समेत 8 मरीजों की मौत हो गई है। पीएमसीएच में प्रिंसिपल को हटाने की मांग के साथ मेडिकल छात्र धरने पर बैठे हैं। दरअसल रविवार को इमरजेंसी में जूनियर डॉक्टरों के साथ एक मरीज के परिजनों ने मारपीट की थी, जिससे नाराज डॉक्टर धरने पर बैठे थे, लेकिन हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। हड़ताल के चलते मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इलाज के अभाव में सैकड़ों मरीज प्राइवेट क्लिनिक और नर्सिंग होम जाने पर मजबूर हैं। भारत ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का एक और सफल परीक्षण किया। आज उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज से इसे छोड़ा गया था। स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनी यह मिसाइल 500 से 1000 किलो वजनी न्यूक्लियर हथियार से दुश्मन के ठिकानों पर हमला करेगी। यह जमीन से जमीन पर 350 किलोमीटर तक मार कर सकती है। एडवांस टेक्नोलॉजी वाली पृथ्वी 2 मिसाइल में 2 इंजन लगाए गए हैं। आपको बता दें कि भारत के लगातार मिसाइल टेस्ट से बौखलाया पाकिस्तान इस विषय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की बात कह चुका है। पृथ्वी के इस टेस्ट को भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब माना जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।